हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मूड बना चुके हैं कि पीएचपी ही सीखना है और पीएचपी में जो है आप कोड पीएचपी थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, लाइक फॉर लूप हो गया, इफ एल्स हो गया और क्लासेस, नेम स्पेस और ये जो भी उप्स कंसेप्ट है, अगर बेसिकली ये सब क्लियर हो गया है, आप कोर पीएचपी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं अगर क्लियर हो गया है, तो आपको कौन सा फ्रेम फ्रेमवर्क है जिसे आज के डेट में यानी 2020 में आपको सीखना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर पीएचपी में बात करें तो बहुत सारे ऑलरेडी फ्रेमवर्क बने हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे जेंड फ्रेमवर्क हो गया और कोडिग्नेटर हो गया, लारावेल हो गया, सिंफोनी हो गया, केक पीएचपी, बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। इसमें आप जो है कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि कौन सा जो है चूज करना चाहिए आपको। बेसिकली सिंफोनी लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको कोई आइडिया नहीं है बेसिकली इसके बारे में, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है अगर पीएचपी फ्रेमवर्क में, तो लारावेल आप बोल सकते हैं। लारावेल वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जो भी स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी है वही लारावेल का यूटिलाइजेशन करते हैं। बिग कंपनी लाइक एमएनसीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है लारावेल का यूज बहुत कम ही करते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरा ये जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो भी छोटे कंपनी और मीडियम लेवल कंपनी है वो जो है लारावेल का यूटिलाइजेशन करते हैं वेब डेवलपमेंट करने के लिए। आपको बता दें कि बहुत सारे ऑलरेडी फ्रेमवर्क और टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लाइक वर्डप्रेस, ड्रूपल, मैजेंटो और भी बहुत सारे जो कि ई कॉमर्स के लिए और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ब्लॉगिंग के लिए जो है ऑलरेडी भरे पड़े हैं इसमें। और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं कि वेब पेज जो है पीएचपी में बना हुआ ही मिलेगा। रीजन इसका ये है कि इसका होस्टिंग चीप है, अफोर्डेबल है, आप जो है सी पैनल में बहुत कम प्राइस में सी पैनल को परचेस कर सकते हैं। गो डैडी हो गया, बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो कि पीएचपी में होस्टिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रदान करते हैं सी पैनल के माध्यम से। तो होस्टिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही चीप हो जाता है, कम कॉस्ट में आप होस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। सेम फंक्शनैलिटी अगर हम पीएचपी में बनाते हैं और अदर अगर टेक्नोलॉजी में बनाते हैं, तो पीएचपी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है लिटिल चीप होगा, सस्ता होगा, क्योंकि डेवलपर को कम पे किया जाता है। स्मॉल कंपनी और मीडियम लेवल कंपनी इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि नॉर्मल क्लाइंट जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो बड़े कंपनी के पास नहीं जा सकते छोटे से एप्लीकेशन के लिए, तो स्मॉल कंपनी के पास ही जाएंगे, स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी के पास। तो वो जो है कंपनी इजीली इसका सॉल्यूशन प्रदान करते हैं पीएचपी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि होस्टिंग चीप है, डेवलपर भी सस्ते मिल जाते हैं। तो क्यों ना जो है पीएचपी में ही डेवलप किया जाए। अगर रिक्वायरमेंट अगर पीएचपी में अगर फुलफिल हो सकता है तो पीएचपी में ही करना बेटर होता है, उस केस में उन लोग का यही डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि मीडियम और स्मॉल लेवल कंपनी अदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं, बट कॉस्ट अगर देखा जाए तो पीएचपी में चूंकि कॉस्ट जो है कम पड़ता है उन लोगों को, तो वो पीएचपी ही चूज करते हैं इस केस में, ताकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और क्लाइंट को भी कम पे करना पड़े उस उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो जो है इसीलिए आज भी जो है पीएचपी जो है स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज किया जाता है, और जो भी प्रोजेक्ट आता है बेसिकली वो सारे प्रोजेक्ट पीएचपी में ही बन रहे हैं छोटे और मीडियम कंपनी में, आज भी प्रीफरेबल है। और उसमें आज के डेट में सबसे टॉप फ्रेमवर्क अगर है तो है लारावेल। लारावेल आज भी लोग यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि लारावेल के वजह से ही पीएचपी जो है जिंदा है। ऐसा मैं नहीं मानता, बट ऐसा क्वरा में मैं बहुत सारे आर्टिकल और क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि लारावेल के वजह से ही जो है पीएचपी एग्जिस्ट कर रहा है। जो भी रीजन हो, पीएचपी नो डाउट पावरफुल है, ऑलमोस्ट सभी टाइप के फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एक वेब डेवलपमेंट के दौरान जो है किसी डेवलपर को इसका आवश्यकता होता है, तो वो पहले से
जो है पहले से बना हुआ बहुत सारे चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है लारावेल। तो मेरे हिसाब से लारावेल को ही आपको चूज करना चाहिए, अगर सीखना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अगर किसी तरह से जॉब पाने के लिए, तो मीडियम और स्मॉल कंपनी में आप बड़े आसानी से जॉब पा सकते हैं लारावेल सीख कर। तो और एक और बेनिफिट है कि बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी लारावेल में मिल सकते हैं। पीएचपी में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, तो वर्डप्रेस किया जाता है। ई कॉमर्स में डेफिनेटली अगेन जो है लोग वर्डप्रेस भी यूज करते हैं, और ज़्यादा तौर पे जो है मेजेंटो यूज करते हैं, जो कि जो है ई कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप उधर भी जा सकते हैं, वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं, मेजेंटो भी सीख सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो लारावेल बेटर चॉइस होगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 2020 में ये जो है नंबर वन चॉइस होना चाहिए लारावेल। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं आगे आपको और भी टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप लारावेल सीख सकते हैं, एडवांस लेवल में सीख सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ कि एडवांस लेवल में ही लारावेल सीखना ज़्यादा उचित होगा। रीज़न इसका ये है कि कंपटीशन हाई है। आप को जॉब जो है स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी में ही मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर आप टारगेट किए हुए हैं एमएनसीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, तो लारावेल आपके लिए नहीं है। मींस आपको ज़्यादा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लारावेल पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से आप जॉब पाना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं लारावेल, और मीडियम और स्मॉल कंपनी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो, और वहाँ पे आप सीख कर आसानी से जॉब पा सकते हैं। बट सिंस डेवलपर भरे पड़े हैं, तो कंपटीशन डेफिनेटली वहाँ भी हाई है। ये नहीं बोला जा सकता है कि आप पीएचपी अगर जानते हैं, अगर लारावेल जानते हैं, तो जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑलरेडी जो है पीएचपी के डेवलपर भी भरे पड़े हैं, स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी में भीड़ है बहुत सारा। तो आपको उसमें भी अच्छा करना पड़ेगा, आपको कुछ एडवांस लेवल में लारावेल सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन अगर नहीं भी है, अगर आप ऑलरेडी लारावेल डेवलपर हैं और लारावेल या पीएचपी डेवलपर हैं, तो कुछ ट्रिक्स और एडवांस लेवल में कुछ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप सिंस इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको वो सब टिप्स जो है इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। बेसिकली मैं जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, मैं उसको शेयर करता हूं। अगर आप लारावेल में अगर कोर्सेज की अगर आप बात करें, तो जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप जाइए उस कोर्स को आप देखिए। सपोज दैट आप लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किए, राइट, तो उसमें आता है सबसे पहले राउटिंग। तो राउटिंग को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली। तो ये हो गया टॉपिक, पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, नहीं समझ में आया उस टॉपिक को ढूंढिए, ये बेटर वे है। अगर फिर भी जो है आप ऐसा आपको लगता है कि आपका टाइम जो है लॉस हो रहा है इस ऐसे करने में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो सर्च करके देखने में या फिर प्रॉपर वीडियो फाइंड आउट करने में, तो आप ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना यूडेमी में कोर्स ले लिया जाए। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर देते हैं, सीखने लगते हैं किसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डमी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एक डेमो प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो जाता है, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर आप जाएंगे यूडेमी के पास कि चलो यूडेमी में देख लेते हैं कि कोई कोर्स है कि नहीं। 400-500 रुपीज़ तो लगते हैं, तो आसानी से हम लोग परचेस कर सकते हैं। तो ताकि आप जानते हैं कि लारावेल में सबसे टॉप कोर्स जो है, मैं उनको बता देता हूँ, वो है बेसिकली, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडविन डायस जो है सबसे पॉपुलर जो है लारावेल का कोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लारावेल अगर यूडेमी में अगर सर्च करते हैं, तो डेफिनेटली फेमिलियर हो गए। एडविन डियास का जो है ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा है, और बड़े आसानी से आप जो है, तो बेसिकली मैं रिव्यू भी मैं दूंगा कि अगर आप ये कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या आप सीख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लारावेल जानते हैं, अगर एडवांस लेवल में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए बेटर होगा, क्या आपको ये कोर्स लेना चाहिए, या फिर कौन सा बेटर कोर्स है, आज हम उसी के बारे में एक एक चीज़ बताएंगे। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उसको आपको लेकर चलते हैं और उसका रिव्यू करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपको मैं कोर्स का रिव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूडे
यूडेमी में मैंने परचेस किया था। तो आज मैं इस सारे वीडियो को मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मैं उसके आधार पे, और ऐसे भी इससे पहले भी मुझे बेसिक तो एटलीस्ट आता ही था, मुझे लगा कि मैं कुछ एडवांस लेवल में कुछ नया सीख सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लारावेल अगर आता है तो मैं चाहता था कि डीपली एक एक चीज़ मैं जो है अच्छे से जान जाऊँ लारावेल के बारे में, क्योंकि अगर कोई अगर मिस हो रहा होगा मेरे नॉलेज में तो वो मुझे जो है मिलेगा और उससे हमारा नॉलेज और भी इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए मैं इसको परचेस किया था। ये बहुत ही पॉपुलर जो है कोर्स है ये यूडेमी पे लारावेल के लिए बेसिकली, तो इसीलिए मैं इसको परचेस किया था, राइट। तो आज हम उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये मैं माय कोर्स के अंदर मैं जाऊंगा, तो ये कोर्स बेसिकली मैं परचेस किया था और मैं सक्सेसफुली मैं कंप्लीट किया, एक एक वीडियो को मैं वॉच किया बेसिकली। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं यूट्यूब वीडियो से, अगर आप चाहते हैं कि क्यों ना आप जो है आपको लेना चाहिए यूडेमी में कोर्स, क्योंकि वो जो है इजीली सब कुछ प्रोवाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, जो कि अगर प्रॉपर अगर गाइडेंस अगर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली जो है आप लारावेल और भी अच्छे से सीख सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी फेस कर रहे हैं वो सब नहीं होगा। तो इसी की वजह से आप लोग बेसिकली आप परचेस करते हैं। तो देख सकते हैं ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला चीज़ कि कोर्स कंटेंट में है क्या, तो पहले वो देख लीजिए, जिसमें ये बेसिकली इन्होंने एक छोटा सा ऐप बनाकर दिखाया है, बट मेरे हिसाब से जो भी एप्लीकेशन बनाए हैं उनको जो है गिटहब पे या फिर कहीं अदर रिपोजिटरी पे ओपन सोर्स जो है प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि लोग टाइप करने के बजाय, क्योंकि क्या होता है ना कि ये कोर्स जो है थोड़ा ओल्ड हो गया है, यानी कि लारावेल 5.4 या ऐसे करके है, तो बहुत ही ओल्ड प्रोजेक्ट है और उसको अपग्रेड उन्होंने प्रोवाइड किया है कि कैसे अपग्रेड करें, तो बेसिकली वो कोड जो है काम नहीं करता है लेटेस्ट वर्जन के जो है लारावेल के साथ। देख सकते हैं अपग्रेड टू लारावेल 5.5 उन्होंने प्रोसेस भी बताया है। तो ऑफकोर्स ये बिगनर लेवल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन थोड़ा काम टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि ये टोटल कोर्स जो है आई थिंक मुझे लगता है कि 32 और पता नहीं कितने आवर का है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लंबा कोर्स है। आप स्वयं सर्च मारकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स जो है बेसिकली अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है बहुत ही बेसिक कवर होगा और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ आप सीख सकते हैं, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन से भी सीख सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करते हैं तो कोई किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली आप इजीली यूट्यूब के माध्यम से भी ये सब सारा कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो ये उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उतना भी खास नहीं है, क्योंकि अगर फ्री अगर रिसोर्सेज अगर आप प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी, तो आप क्यों यूडेमी में आप जो है सेम कंटेंट के लिए अगर आप पैसा पे करना चाहते हैं तो क्यों करेंगे। हाँ, इसमें आपको जनरली एड्स देखने को नहीं मिलता है, ये जो कि ये आपके लिए मे बी डिसएडवांटेज हो सकता है, और अगर यूट्यूब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एड्स भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो है परचेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटर आपको मिल जाते हैं, जो कि टिप्स और ट्रिक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये कोर्स भी एक्चुअली बहुत लेंदी है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ये कोर्स को पूरी तरह से कम्प्लीट करने के लिए। रियल में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ईजी और क्लियर कट जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और कभी कभी कुछ कुछ जो डिफ़िकल्ट जो पार्ट होते हैं वो मैं भी कवर कर लेता हूं। तो जो है मेरे भी यूट्यूब चैनल आप देख लिया कीजिए, अगर आप पीएचपी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो जो है डेफिनेटली लारावेल आप सीख सकते हैं। लारावेल बेटर फ्रेमवर्क है, और लारावेल सीखने के लिए सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स जो है अवेलेबल हैं लारावेल में बेसिकली, तो आप उससे आसानी से सीख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और यूट्यूब इज़ एनफ टू लर्न लारावेल, ये मेरा सजेशन है। आप अगर यूडेमी में अगर
पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कुछ कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ 400-500 रुपये पे करने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर फिर भी जो है आपको मुश्किल होता है इतना भी पे करने के लिए, तो डेफिनेटली आप मत परचेस कीजिए कोई भी कोर्स, क्योंकि वो सब बेसिक प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये टॉप कोर्स था जो कि मैं परचेस किया, और मैं एक एक वीडियो में देखा हूँ तो मुझे पता है कि ये कोर्स उतना भी खास नहीं है।